34-11 होगा भैया एक। चलो भाई ऑर्डर तो मैंने पिकअप कर लिया है, फटाफट इसको डिलीवर मारते हैं। ये लो भैया, चलो भाई ऑर्डर तो मैंने दे दिया है कस्टमर को, बाकी इसको मार देते हैं डिलीवर। तो है गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो भाई आज है सैटरडे का दिन और अभी टाइम हो रहा है 8:15। भाई राइड रूड बजी नहीं रही है, मैं एंकर आईडी खोल के मैं घर में ही बैठा था, मैंने बोला चलो 8 बज गए यार, हम निकल ही जाते हैं घर से बाहर, क्योंकि भाई देखो बाहर निकल के भी क्या फ़ायदा यार, कहाँ बैठूंगा मैं जाके, क्योंकि यार राइडें रूडे देखो अपने एरिया से ही बसती हैं, जितनी राइडें बसती हैं, बताया मैंने आपको कि नीचे से ऊपर जाते हैं लोग जॉब वगैरह करने, स्कूल वगैरह पढ़ने, तो नीचे से ही सारी राइडें बसती हैं। तो मेरा घर वैसे ही अब मेरे जोन में ही है, तो वहीं से आराम से बच जाएगी, पर बजी नहीं रही राइड, पता नहीं क्या हो गया। तो जो वेट करते हैं, तेल डलाने की ज़रूरत है नहीं हमारे पास, अभी तेल बहुत पड़ा है, बाकी वेट करेंगे अभी कितनी देर में हमारे पे कोई राइड आती है, ठीक है बताता हूँ आपको मैं। तो यार गाइस मेरा ना सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो गया था इसमें रैपिडो में, तो भाई मैंने अभी ये वाला सब्सक्रिप्शन लिया है 199 रुपये का, 60 राइड है इसमें। अब देखते हैं इसमें कितनी मेरी बचत होती है, 199 रुपये मैंने इसमें खर्च करे हैं और एक हफ्ते तक देखते हैं कितनी इसमें बचत कर पाता हूँ मैं, क्योंकि भाई मैंने 79 रुपये का लिया था, तो उसमें पता है कितनी बचत हुई थी मेरी, 79 में मेरा 250 रुपये सेफ हुआ था, तो भाई है इसमें बचत तो है सब्सक्रिप्शन पे। तो चलो वेट करते हैं क्योंकि यार सब। तो भाई ये देखो 8 बजे मैं घर से निकला था, अभी टाइम हो गया है 9:30 और भाई काम देखो मेरा रैपिडो में, तो क्या हो गया रैपिडो को वैंकर की, मैंने सब्सक्रिप्शन भी ले रखा भाई 200 रुपये का, मेरा सब्सक्रिप्शन ना ख़राब जाए बस वैंकर की। मैं सोच रहा था कि भाई रैपिडो में मैं 100 दिन का चैलेंज लेने की, कि भाई देखो चैनल की ग्रोथ थोड़ी सी कम हो रही है, प्लस मैं ढंग से काम नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा था कि भाई 100 दिन का चैलेंज लेंगे, ढंग से काम भी हो जाएगा, बाकी सब कुछ ठीक चलेगा। ऐसे लूँगा क्या 100 दिन का चैलेंज भाई इसमें मैं। तो लो भाई 2 घंटे वेट करने के बाद मेरे पास एक राइड बचती है 60 रुपये की, और इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, फटाफट इसको ड्रॉप मार के आते हैं, यहीं से उठाना है 650 मीटर से, लड़की है कोई, चलो पिकअप करते हैं इसे फटाफट। दूर दूर तक कोई लड़की तो नहीं दिख रही भाई मेरे को, ये तो नहीं है कहीं, आई थिंक पता नहीं अभी भाई, देखो ऐसे भी नहीं कर सकते ना किसी को उंगली, एक बार कंफर्म कर लेते हैं कॉल करके। चलो उन्होंने ही दिखा दिया उंगली, OTP बताना 8503, ठीक है मैम बैठ। कहाँ जाना है आपको ऐसे? तो लो भाई हमारी पहली राइड आज की कंप्लीट होते हुए, और कितने रुपए मिले इसके मेरे को भाई, 71 रुपये मिले हैं इसके मेरे को। तो देखो सब्सक्रिप्शन लेने का ये फ़ायदा है, देखो रैपिडो वाले ने इनसे लिए हैं 77 रुपये और मेरे को दिए हैं 71 रुपये। अगर मेरे पास सब्सक्रिप्शन ना होता तो भाई यही राइड मेरे को कम से कम नहीं तो 59 रुपये तक की पड़ती बस, और मेरा कम से कम 12-13 रुपये का घाटा होता। तो सब्सक्रिप्शन लेने का ये फ़ायदा है, ये देखो मिस हो गई भाई, आज काम नहीं है जिस हिसाब से राइडें मिस हो रही है ना, राइडें आ रही हैं और एकदम से उठ जा रही हैं, क्योंकि देखो राइडर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, काम करने वाले बहुत ज़्यादा हो गए हैं और राइडें हैं नहीं, अब आप खुद लगा सकते हो। छोटी सी राइड भी बज रही ना 20-30 रुपये की, एकदम उठा ले रहे भाई लोग, छोटी मोटी राइड तो मैं नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए बड़ी राइड है, क्योंकि देखो भाई सब्सक्रिप्शन लेने का फ़ायदा तभी है अगर तुम बड़ी राइडें उठा रहे हो, क्योंकि उसी में बचत हो पाती है। अब देखते हैं। तो लो जी गाइज मेरे पास आ गया है एक फूड का ऑर्डर, जो कि बर्गर किंग से पिकअप करना है और छोड़ने जाना है बाला वाला, तो फटाफट पिकअप करते हैं इसको और छोड़ के आते हैं, चलो कम से कम कुछ नहीं। 2869, चलो भाई पिकअप कर लिया इसको मैंने,
बैंक ऑफ बड़ौदा बंगी पुलिया बाला वाला है। फूड में यार पैसे कम देता है बैंकर की, कम देता है फूड में पैसे। ये 5.3 किलोमीटर के कितने दे रहा है, 49 रुपये। देखते हैं कुछ बढ़ के मिलेगा कि कम होके मिलेगा। तो लो जी गाइस पहुंच चुके हैं अपने फूड की ऑर्डर की लोकेशन पे। इनका है क्या भाई का, अच्छा बाहर खड़े हो रहे क्या पहले से ही? अरे ये लोकेशन पीछे क्या था? अच्छा अच्छा ठीक है भाई, थैंक यू। चलो भाई दूसरा ऑर्डर हमारा कंप्लीट होते हुए रैपिडो में। बाकी भाई 124 रुपये का काम हुआ है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ से ऊबर भी ऑन कर देते हैं, क्या पता ऊबर में बच जाए यहाँ से राइड कोई लंबी सी। क्योंकि भाई देखो एक के भरोसे रहना आज मुश्किल है, क्योंकि भाई देखो रैपिडो में इतना काम है नहीं। अगर होता तो अब तक मेरा कम से कम 400 तक तो खींच देता मैं। तो भाई ऊबर के भरोसे भी चलना पड़ेगा आज। तो चलो वेट करते हैं नेक्स्ट ऑर्डर का, नेक्स्ट राइड का। चलो जी गाइज एक रैपिडो में मेरे पास फूड का ऑर्डर आ गया है, जो कि आज दिन का ये तीसरा ऑर्डर है मेरा। एक राइड दो ऑर्डर, तो चलो क्योंकि भाई राइड तो बच नहीं रही है, यही उठाने पड़ रहे भाई आज। क्या कर ये जिंदगी करती है। ओके मैम, थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। क्या हैंकर की ऐसे कैसे बोल देते लड़की एकदम से भैया भैया। चलो जी गाइज तीसरा ऑर्डर मैंने मार दिया है डिलीवर। ये नहीं लेके जा रहा भाई मैं, क्लॉक टावर के लिए राइड बज रही है मेरे पास। 46 रुपये पल्टन बाजार। अभी ये क्या हो रहा है, मार्केट में कौन जा रहा है भयंकर ऑर्डर डिलीवर मारने भाई। तो भाई 160 रुपये का मेरा काम हो गया है अभी। तो चलो वापस से चलते हैं अपने एरिया में। तो यार गाइज भाई 12 बज चुके हैं और काम हो रखा है हमारा रैपिडो में 160 रुपये का बस। इससे ज़्यादा भाई आज काम नहीं हुआ है, पता नहीं क्या भयंकर आज राइडें रूडे नहीं बज रही थी। एक ही राइड बजी भाई सुबह से और एक दो ऑर्डर बजे फूड के, तब जाके 160 रुपये का काम हुआ है। मैंने सोचा था कि भाई मैं 100 डेज का चैलेंज लूँगा मंडे से, पर देखो काम ऐसा हो रहा है, कैसे मन करेगा भयंकर 100 दिन का चैलेंज लेने का। इतनी धूप में तो मैं पागल हो जाऊंगा भयंकर, अगर पूरे दिन भर करना पड़ेगा तब जाके होगा 100 दिन का चैलेंज पूरा। तो कोई नहीं, वैसे भी सैटरडे संडे और मंगलवार को काम कम रहता है। संडे को देखो छुट्टी रहती है लोगों की, ऑफिस की, स्कूलों की छुट्टी रहती है, तो इस वजह से संडे को राइड वगैरह बहुत कम चांस होते हैं। अभी कल संडे है, कल देखते हैं कैसा होता है बाकी भाई। यही तो चलो कोई नहीं घर चलते हैं, जल्दी आने की कोशिश करेंगे शाम को। लेट्स गो दोस्तों। बस क्या कर रहा भैया जल्द। तो गाइस वेलकम बैक भाई, अभी टाइम हो रहा है 6:20 और भाई मैंने 6 बजे आईडी खोल दी थी। मेरे पास एक ऑर्डर बजा है KFC से। ऑर्डर तो बहुत सारे बज रहे थे, पर छोटे छोटे ऑर्डर बज रहे थे 20 रुपये के 25 रुपये के। मैंने बोला कोई बड़ा ऑर्डर होगा ना तब उठाऊंगा मैं। तो भाई ये वाला ऑर्डर आया है मेरा कम से कम 58 रुपये के समथिंग का ऑर्डर है, KFC से उठाना है और इधर छोड़ना, क्या बोलते हैं आपका मियाँ वाला की साइड। तो चलो इसको फटाफट पिकअप करते हैं और डिलीवर मारते हैं इसको फटाफट। ठीक है गाइस लेट्स गो। चलो जी गाइस बर्गर किंग के पास तो भाई पहुंच चुके हैं, अपना एक पिकअप करने हैं ऑर्डर 90-90। चलो भाई KFC से था ये हमारा ऑर्डर 54 रुपये का, इसे एक्सेप्ट करते हैं। चलो 6 किलोमीटर लेके जाना है। ओके चलो भाई फटाफट इसको डिलीवर मार के वेट करते हैं नेक्स्ट ऑर्डर का। चलो जी गाइस पहुंच चुके हैं अपने शाम के पहले फूड के ऑर्डर की लोकेशन पे। ओहो चलो कॉल कर लेते हैं एक बार इनको, ले नंबर 3B। ओके भैया 36। अरे यार अभी चैन ख़राब हो गई जाने कल की। ये देखो भाई जी 33 रुपये की राइड बज रही है, नहीं उठाना भाई ऐसी राइड। ठीक है
बाकी ऑर्डर मैंने मार दिया डिलीवर। मेरे को मिलते हैं कितने रुपए? गाय कहाँ घूम रही है इधर? बाकी भाई मेरे को इसके मिलते हैं 54 रुपये और 214 रुपये का मेरा काम हो गया, तो चलो वेट करते हैं नेक्स्ट ऑर्डर का। चलो जी गाइस, बर्गर किंग से मेरा एक और ऑर्डर बच चुका है। 7 मिनट इसको लगेंगे पिकअप करने में, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर तो मेरा हो गया है रेडी 7 मिनट की वेटिंग करने के बाद, तो इसे पिकअप करते हैं फटाफट। हेलो जी, बहुत दिनों बाद दिख रहे हैं। ये देना यार भाई, 8498 रुपए का। इधर मुझे जाने का नहीं जमता था, 9 रुपए क्या चाहिए। और तो लो जी गाइस, ऑर्डर तो मैंने पिकअप कर लिया है बर्गर किंग से, फटाफट इसको डिलीवर मारते हैं। लेट्स गो, लेट्स गो गाइस। अभी हम ऑर्डर पिकअप करके खाने चलते हैं। तो लो जी गाइस, पहुंच चुके हैं अपन दून यूनिवर्सिटी इस ऑर्डर को छोड़ने के लिए। बाकी भाई कस्टमर को करते हैं अभी कॉल। कौन दे रहा गालियाँ इतनी गंदी गंदी? चलो भाई कस्टमर को कॉल कर लेते हैं। राइट वाला है, लेफ्ट वाला है, इनका ही तो नहीं है कहीं। ऑर्डर मैम आपका स्विगी से? असरे के नाम से ना। ओके मैम, तो लो जी गाइस ऑर्डर तो मैंने मार दिया। मैम ओटीपी आएगा एक। ठीक है मैम, ओके थैंक यू। तो लो भाई इस ऑर्डर के मेरे को मिलते हैं कितने रुपए? कहाँ गया बैंकर की भाई? इस ऑर्डर के मेरे को मिलते हैं 67 रुपये। और भाई डिस्टेंस था 5.5 किलोमीटर, 5.5 किलोमीटर डिस्टेंस था, 67 रुपये मिले हैं। अभी ज़्यादा कैसे मिले हैं आप लोग सोच रहे होंगे। भाई ज़्यादा इसलिए मिले हैं क्योंकि भाई देखो वेटिंग, यह है रैपिडो और रैपिडो वेटिंग टाइम देता है। जैसे आप वेट कर रहे हो ना रेस्टोरेंट पर, तो ये वेट टाइम देता है हमको, तो इस वजह से 67 का हो गया है ऑर्डर। वरना भाई वही है, इसका रेट कार्ड 10 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से देता है। ठीक है, एक तो भाई ये फाटक से पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, फाटक को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मेरे से बैंक। जितनी बार भी मैं आता हूँ ना इस वाले फाटक की तरफ से, तो भाई उतनी बार मेरे को ये फाटक बंद ही मिलता है। पता नहीं क्या लफड़ा है बैंकर इसका। एक दिन में कितनी ट्रेन जाती है यार ये? तो यहाँ तो हर आधे घंटे में ट्रेन जाती है बैंकर। ओके भैया थैंक यू। ओके लो जी गाइस, तो लो जी गाइस भाई रेलवे स्टेशन पे छोड़ा है मैंने एक राइड, वो भी बच बच के एंकर की। भाई 448 रुपये का अभी हमारा अर्निंग हो चुकी है। ठीक है, नॉट बैड भाई, 160 रुपये का काम करके गया था मैं मॉर्निंग में। 28 रुपये का एक वो बज रहा है फूड का ऑर्डर, बताओ एंकर। तो लो जी भाई, एक ऑर्डर बजा है मेरे पास टिफ़िन रेस्टोरेंट से, लेके जाना है अपने एरिया में। ऑर्डर भाई बहुत है आज, फूड के ऑर्डर बहुत ज़्यादा है आज। पर पिकअप 3-3 किलोमीटर का पिकअप है, वैसे मैं उठा नहीं रहा हूँ। और सारे आउटसाइड भेज रहा है यार ये, प्रेमनगर साइड, ऊपर क्लेमेंट टाउन की साइड, चंद्रबणी की साइड, ऐसे ऐसे ऑर्डर बज रहे हैं। और अभी देखो भाई 9:30 बज गया है, 10 बजने वाला है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ अपने एरिया में ही रहूँ तो बढ़िया है। क्योंकि यार ऊपर की साइड रह के ना ये नीचे की साइड ही फेंकता है, आपकी प्रेमनगर की साइड हो गया या फिर ऊपर राजपुर रोड की साइड हो गया, ऐसी ऐसी जगह फेंकता है कि वहाँ से खाली हाथ आना पड़ता है कभी कभी, ऐसा हो जाता है। इस वजह से मैं सोच रहा हूँ अपने एरिया में रहूँ तो बढ़िया है। 34:11 होगा भैया एक। चलो भाई ऑर्डर तो मैंने पिकअप कर लिया है, फटाफट इसको डिलीवर मारते हैं। तो यार इनकी ना मेरे को ऐसा लग रहा है कि लोकेशन गलत है इस वाले ऑर्डर की। इन्होंने 2-3 लोकेशन डाल रखी है इसमें, विष्णु विहार डाल रखा है, विधानसभा कॉलोनी डाल रखा है और रिस्पनापुरम, 3-4 लोकेशन एक साथ।
ओके भैया। तो लो भाई ऑर्डर तो मैंने मार दिया है डिलीवर, इसके देखते हैं कितने रुपए मिलते हैं मेरे को। भाई इसके मेरे को मिलते हैं 59 रुपये और टोटल मेरी अर्निंग हो गई है 507 रुपये की, जिसमें मेरा जो टोटल जो टाइम था वो मॉर्निंग में ही ख़राब हुआ था, बाकी टाइम तो ठीक ही था। देखो शाम के टाइम तो बहुत ऑर्डर है आज, क्योंकि शनिवार और सैटरडे को शाम के टाइम फूड के ऑर्डर बैक टू बैक हैं। ये देखो एक और बज गया, पर पिकअप है भाई बहुत लंबा इसका, तो मैं जाऊंगा नहीं इसे पिकअप करने के लिए। तो लो जी गाइस एक ऑर्डर बच चुका है मेरे पास डोमिनिक पिज़्ज़ा से, एक ऑर्डर बच गया भाई मेरा। मैंने बोला चलो यार उठा ही लेते हैं, एक ऑर्डर बच रहा है 45 रुपये का, ये ऑर्डर होने वाला है हमारे पास और लेके जाना है इसे पता नहीं रायपुर। बहुत देर से बज रहा था यार, मैंने बोला चलो उठा ही लेते हैं इसको, कोई उठा नहीं रहा था इसे, मैंने ही पिकअप कर लिया। तो लो भाई बताओ कैसी लग रही है मोहिनी। भाई लगती तो सेक्सी है, कुछ भी बोलो कि चमक ही इतनी प्यारी है। देखो वो 350 cc वाली खड़ी है और ये 125 खड़ी है। बात तो है भाई मोहिनी में कुछ। तो चलो गाइस छोड़ो, पहले इसको फटाफट डिलीवर मारते हैं फिर घर निकलते हैं यार, टाइम हो गया रात को यार, वीडियो वगैरह एडिट करनी पड़ती है ना, इस वजह से मैं लेट हो जाता हूँ। यहाँ से राइट, चलो भाई कॉल कर लेते हैं इनको एक बार, गड्डी आ रही है वैसे भी कोई थी। भाई बस यहाँ से ना एक राइड बच जाए या ऑर्डर बच जाए, ऑर्डर तो नहीं है यार राइड बच जाए घर की साइड की, बहुत सही है 600 रुपये का काम हो जाएगा अपना, राइड बच जाती है तो। ये लो भैया, चलो भाई ऑर्डर तो मैंने दे दिया है कस्टमर को, बाकी इसको मार देते हैं डिलीवर, देखते हैं कितने रुपये मिलते हैं इसके मेरे को। लिमिट दिखा रहा है कि लिमिट तुमने बहुत बहुत भगाई गाड़ी। तो भाई इसके मेरे को मिले हैं 51 रुपये और टोटल अर्निंग मेरी हो गई है 559 रुपये। तो चलो एक राइड का वेट करते हैं, घर की साइड की बच जाती है तो बढ़िया है, ठीक है। तो यार गाइस एक राइड बजी थी मेरे पास और मैंने गाड़ी पेल रखी थी, मेरे को पता ही नहीं चला भाई, आवाज़ ही नहीं आई राइड की कि ऑर्डर बज भी रहा मेरे पे नहीं बज रहा। भाई डोभाल चौक से जहाँ से मैं जा रहा हूँ ना वहीं से उठाना था और आइस ब्यूटी लेके जाना था भाई, 100 रुपये की राइड होने वाली थी यार, ये किसी ने उठा ली एकदम से, भयंकर मस्त राइड बजी थी यार। हो जाता मेरा काम इसे मिला के 650 ही हो जाता, 650 भाई। कोई राइड नहीं बजी, कोई ऑर्डर नहीं बजा तब से। मैंने बोला चलो यार घर ही चलते, अब क्या वेट करना इधर, अब 10:30 बज गया, वैसे भी 10:40 होने वाला है गाड़ी में तो हो गया, 10:40 फ़ोन में भी होने वाला है। बाकी भाई अर्निंग मेरी टोटल अर्निंग हुई है 559 रुपये, 559 रुपये मेरी अर्निंग हुई है, जिसमें से भाई 100 रुपये का मेरा तेल लग चुका है, अभी लगा लो 459 रुपये की मेरी अर्निंग हुई है आज की, तेल तो हटा के 450 रुपये, ठीक है बुरा नहीं है ये भी। क्योंकि भाई देखो सुबह तो 160 रुपये का काम करके गया था मैं, बाकी जो काम खिंचा है शाम के टाइम ही खिंचा है, और आज सारे ऑर्डर फूड के ही आए हैं। राइड मैंने एक ही छोड़ी थी मॉर्निंग में, वो भी बस उसके बाद सारे फूड के ऑर्डर ही छोड़े मैंने। तो भाई यही थी हमारी वीडियो आज की, वीडियो पसंद आई हो आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जाना, बाकी मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में, कल संडे है देखते हैं क्या पता अर्निंग हो जाए ठीक ठाक कल, ठीक है गाइस, ओके गुड नाइट, बाय, लव यू, टेक केयर।